अस्सलाम वालेकुम मेरे सब दोस्त, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपका? मैं हूं आपका दोस्त अल्ताफ। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे लाहौरी मटन, यूनिक स्टाइल से बनाएंगे। और ये जो हमारे पास गोश्त है, ये है गर्दन का, बकरे की जो गर्दन होती है मटन की, उस गर्दन का हम बनाएंगे। इसमें जो गोश्त इस्तेमाल होता है वो गर्दन का ही जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमें क्या क्या इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे बनेगा, तो चलें आपको बताते हैं, शुरू करते हैं हम बनाना। अच्छा, हमारा जो ये लाहौरी मटन है, हम यूनिक तरीके से बनाएंगे, तो इसकी रेसिपी भी यूनिक ही है। और आपको चले चलते हैं, दिखाते हैं हमारे पास क्या चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं। वो है, ये है हमारे पास गर्म मसाला जो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, और यही हमारे मसाले हैं। इसमें कुछ नहीं जाएगा, ना रेड चिल्ली जाएगी, ना हल्दी है, ना कोई और मसाला जाएगा, धनिया पाउडर, हमारे पास यही चीज़ें हैं, सब यही जाएंगी। हमारे पास ज़ीरा है, एक चम्मच है तकरीबन, एक चम्मच के बराबर काली मिर्च है, साबुत छोटी इलायची है तकरीबन 5 दाने हैं, और उसके बाद बड़ी इलायची के 5 दाने हैं, छोटी इलायची भी है हमारे पास तकरीबन 7-8 दाने हैं, उसके दालचीनी है, और इसके साथ ये जो है ये बादियान है, बादियान के फूल हैं, और ये जो है ये जावित्री है, और उसके साथ ये लौंग है, उसके साथ ये तेज़पत्ता है। यही मसाले हैं। हम इसको क्या करेंगे, हम इनको पीसेंगे, पीसने के बाद फिर इसमें हम मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, दिखाते हैं उसके बाद क्या करना है। देखिए, मसाला जो है हमने पीस लिया है, और इसके साथ जो अभी हमें चाहिए होगा वो है हरी मिर्ची का पेस्ट है और अदरक लहसुन का मिक्स पेस्ट है। ये हम गोश्त में डाल के इसको मिक्स करते हैं अभी। तो इसमें अभी ये हमने लहसुन डाल दिया है, तकरीबन लहसुन था 2 टेबलस्पून के बराबर था, और इतनी ही हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे, पेस्ट जो होगा बना हुआ 2 चम्मच के बराबर। तो हमारे पास जो गोश्त है वो 2 किलो है। तो ये जो हमने गर्म मसाला पीसा था ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन हमने इसको 3 घंटे के लिए रखना है। अगर बाहर ज़्यादा गर्मी हो तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, अगर मौसम ठीक हो तो आप बाहर इसको रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, मसला नहीं है। चलो इसको मिक्स करते हैं। इसको मिक्स हमने अच्छे तरीके से करना है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि इसमें अगर कोई मसाला ज़्यादा है, तेज़ है, तो परेशान ना होंगे, इसमें इतना ही मसाला जाएगा और इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा मिर्ची नहीं जाएगी, कोई एक्स्ट्रा हल्दी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, टोटल इसका मसाला यही है। देखिए, हमने मिक्स कर लिया, अच्छे तरीके से हो गया। अब इसको हम रखेंगे फ्रिज में या बाहर रख देंगे, मसला नहीं है। और उसके बाद जो चाहिए हमारे को, प्याज है तकरीबन 4 अदद, ये चाहिए होगा, और उसके बाद ये है आलू हैं, और गाजर है तकरीबन 3 अदद गाजर है, 4 आलू, 5-6 हमारे पास आलू हैं, तो ये भी इसमें जाएंगे, क्योंकि यूनिक तरीका है तो यूनिक चीज़ होनी चाहिए आपके लिए। तो चले हम शुरू करते हैं, कैसे बनाया जाएगा वो भी आपको दिखाते हैं, ये चले शुरू करते हैं। अच्छा, चलो हम इसको प्याज जो है इसको काट लेते हैं। अच्छा, ये हमने पतीला ले लिया है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हल्का सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, ये देखिए थोड़ा सा ऑयल लिया हमने, और इसमें हमने जो प्याज काटी हुई थी वो डालेंगे। अच्छा, ऑयल आपका बहुत गर्म होना चाहिए, क्योंकि प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा पकाना है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखें प्याज हमारा जो है नरम हो गया है हल्का सा, तो अब इसमें हम जो है गोश्त ऐड करेंगे। ब्राउन नहीं करना है प्याज को, हमें ऐसा ही रखना है, वाइट होना चाहिए, वरना फिर काला हो जाएगा। अब इसमें हम गोश्त डाल देते हैं, ये मैरिनेशन करके रखा था तकरीबन, हमने इसको 3-4 घंटे इसको मैरिनेशन करके रखा था बाहर या फ्रिज में, उसके बाद हम इसको भी मिक्स करेंगे, भुनेंगे इसी में,
ये देखिए हमने थोड़ा सा भुना है इसको, हल्का सा इसको गोश्त का कलर भी चेंज हो रहा है। तो हम इसमें अब क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे अभी पानी। अच्छा, पानी हम इसमें इतना डालेंगे जितना कि हमारा गोश्त गलना चाहिए, ठीक है। गलाने के लिए हम पानी डालेंगे और इसमें थोड़ी बहुत जो ग्रेवी होगी हमने वही होगी। हम इसको पकने देते हैं अभी तेज़ आंच पे, और जब ये पकने लग जाएगा तो उसको हम हल्की आंच पे कर देंगे। और जब तक गोश्त गलेगा तो जब तक जो हमारी वेजिटेबल है हम वो काट लेते हैं। ये जो हमारे पास गाजर थी हमने ली थी 3, अब इसको हम क्यूब में काटेंगे, ठीक है, क्यूब में काट लेते हैं। ये देखें हमारी गाजर कट चुकी है, तकरीबन क्यूब होने चाहिए ये देखें, ठीक है, बड़े बड़े क्यूब होने चाहिए ये देखें। जो आलू हैं वो भी हम काट लेते हैं, जो पोटैटो भी हमने काट लिए हैं। अब इसको हम दोनों को पानी में डाल देते हैं ताकि ये काले ना हों हमारे आलू, जब तक गोश्त गलेगा। फिर उसके बाद आगे देखिए हम क्या कैसे बनाते हैं। ये देखें हमने इन दोनों को पानी में डाल के रख दिया है जब तक मटन गलेगा, तो फिर उसके बाद हम दिखाते हैं आपको कैसे बनाएंगे। ये देखिए हमारा जो गोश्त है वो गल गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से गल गया। तो इसके बाद फिर हम दूसरा एक पतीला लेके इसमें, अच्छा एक पतीला हमने अलग से लिया है, उसमें ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा हमने मटन में डाला था और थोड़ा सा अभी डालेंगे इसमें, और जैसे ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें मिक्स जो वेजिटेबल है वो फ्राई करेंगे। इसमें हमारा ऑयल भी गर्म हो गया, हम वेजिटेबल जो मिक्स हमने काट के रखी थी छन्नी में निकाल दी है, उसको पानी उसका निकल गया है ये देखिए। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा हम इसको सोते करेंगे। जैसे ये हल्का सा सोते हो जाएगा तो हम इसमें जो मटन डाला हुआ था वो ऐड करेंगे। अच्छा, हमने गोश्त में नमक नहीं डाला था, तो इसीलिए नहीं डाला था कि नमक के बगैर वो जल्दी गल जाता है, और ये जो गर्दन का गोश्त होता है वो गलने में भी बहुत टाइम लेता है। तो लिहाजा हम जो नमक देना इसमें शामिल करेंगे वेजिटेबल में, ठीक है। और उसके बाद हम इसको हल्का सा सोते और करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा ये सोते हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसमें जो हमने गोश्त डाला है वो ऐड करेंगे। ये देखिए हमने इसमें गोश्त डाल दिया है, और इसमें जो पानी गोश्त में कम से कम रहना चाहिए, बिल्कुल खुश्क ड्राई ना हो, ताकि ड्राई होने के बाद फिर तुम्हें ग्रेवी भी चाहिए होती है। ये देखें देखिएगा थोड़ी देर और पकेगी, हमारी वेजिटेबल भी गल लेगी और मटन भी थोड़ा सा और हो जाएगा मज़ीद। तो हम इसको थोड़ा सा 5 मिनट पकने देते हैं। ये देखें पक रहा है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे एक और नई चीज़ जो यूनिक तरीके से सब बना रहे हैं, तो यूनिक चीज़ ही होगी। ये देखें हमारा गोश्त भी हो गया और मिक्स वेजिटेबल भी, ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि फिर ज़्यादा पकाएंगे तो वो ज़्यादा गल जाएगी। अभी जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर में हल्का सा हम पानी डालेंगे, ये तकरीबन 2 चम्मच हमने लिए, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ये भी हम उसी में डालेंगे थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए। ये देखिए हम अभी इसमें कॉर्नफ्लोर जो है ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए हमारा ये गाढ़ा भी हो गया है, और अभी और इसको मज़ीद 1 मिनट या 2 मिनट हम और पकाएंगे, और थोड़ी सी हल्की आंच पर कर देंगे स्लो पे, तो ये पकने लग जाएगा। आप इसके कलर पे नहीं जाए कि इसका कलर आपको काला नज़र आ रहा होगा, ये ब्राउन कलर है तो ये इस कलर में ही बनता है। तो ऐसा ना परेशान होना होइएगा क्योंकि ये जो ब्लैक हो रही है वो ब्लैक ब्लैक नहीं है, ब्राउन कलर है। अगर आपको लगे कि आप अच्छा ना समझते हो, थोड़ा सा आपका काला हो जाए सालन, तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, वो कलर आए चेंज कर देगा, क्रीमी कलर कर देगा। तो ठीक है, ये हमारा हो गया रेडी है, गल गया है, तैयार हो गया। तो
अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी रेसिपी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन होगा उसको भी प्रेस करें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।